चलिए नेक्स्ट हेडलाइन डालिए सफिशिएंट कंडीशन। कल एक थ्योरम आपका चल रहा था जिसका नेसेसरी पार्ट हो गया था, सफिशिएंट कंडीशन बाकी रह गया था। लिखिए सफिशिएंट कंडीशन। थ्योरम आपका था, कह रहा था कि एफ एक्स बाउंडेड रिमानियन इंटीग्रेबल है, एफ एक्स इज बाउंडेड प्लस रिमानियन इंटीग्रेबल कब, जब यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन एप्साइलन हो जाए। ठीक है, लिखिए लेट फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो, लेट फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो एंड फॉर पार्टीशन पी, एंड फॉर पार्टीशन पी द कंडीशन ऑफ गिवन थ्योरम इज सेटिस्फाइड, द कंडीशन ऑफ गिवन थ्योरम इज सेटिस्फाइड, दैट इज यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज लेस देन एप्साइलन, इज लेस देन एप्साइलन। मान लीजिए इक्वेशन नंबर वन, नीचे से लिखिए ऑल्सो फॉर द पार्टीशन पी, सिंस वी नो दैट ऑल्सो फॉर द पार्टीशन पी, सिंस वी नो दैट हमने देखा था एल पी एफ लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ए बार बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ए बी बार एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू यू पी एफ, ये आपको बताया गया था। This implies that integral a to b bar fx dx minus integral a bar to b fx dx इधर आएगा less than or equal to upf, इसको इधर लाए इसको भी इधर लाए minus lpf। This implies that integral a to b bar fx dx minus integral a bar to b fx dx less than epsilon. Since epsilon is arbitrary and small, therefore integral a to b bar fx dx minus integral a bar to b fx dx is less than or equal to zero, this implies that integral a to b bar fx dx is less than or equal to a bar to b fx dx। इक्वेशन नंबर टू यहां तक बता रही है। इससे आपको इक्वेशन टू से ये पता चल रहा है कि अपर रिमानियन इंटीग्रल छोटा है जबकि लोअर रिमानियन इंटीग्रल बड़ा है, और उल्टा रिलेशन आप ये जानते हैं कि अपर रिमानियन इंटीग्रल बड़ा होता है और लोअर रिमानियन इंटीग्रल छोटा होता है। छोटा भी बड़ा भी ये तभी पॉसिबल है जब दोनों आपस में बराबर हो। इतना लिख लीजिए फिर बता रहे।
नीचे से लिखिए बट सिंस वी नो दैट लोअर रिमानियन इंटीग्रल कैन नेवर एक्सीड टू द अपर रिमानियन इंटीग्रल नीचे से लिखिए देयरफोर इंटीग्रल ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स. इसको कंसीडर कर रहे हैं थ्री, ए बी से छोटा और बराबर, ए बी ए से छोटा और बराबर. ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो. कंबाइनिंग इक्वेशन टू एंड थ्री कॉमा वी हैव, जैसे ही कंबाइंड करेंगे मिल जाएगा इंटीग्रल ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स. मतलब लोअर रिमानियन इंटीग्रल अपर रिमानियन इंटीग्रल के बराबर होता है. दिस इम्प्लाइज दैट द फंक्शन एफ एक्स इज रिमानियन इंटीग्रेबल. द फंक्शन एफ एक्स इज रिमानियन इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. नेक्स्ट थ्योरम लिखिए. नेक्स्ट थ्योरम, अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस, अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी is Riemannian integrable on closed interval AB. A function which is continuous on closed interval AB is Riemannian integrable on closed interval AB. डालिए प्रूफ. कह रहा है कोई फंक्शन है जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है. अगर वो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होगा तो आपको दिखाना होगा कि वो रिमानियन इंटीग्रेबल होगा क्लोज इंटरवल ए बी में. रिमानियन इंटीग्रेबल होने का मतलब अपर रिमानियन इंटीग्रेबल इंटीग्रेशन लोअर रिमानियन इंटीग्रेशन के बराबर होगा. लिखिए, लेट अस कंसीडर अ पार्टीशन P is equal to A is equal to x0, x1, x2,
एक्स थ्री, एक्स आर माइनस वन, एक्स आर, एक्स एन इज इक्वल टू बी. लेट अस कंसीडर अ पार्टीशन P is equal to A is equal to x naught, x1, x2, x3, dash 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 xr minus 1, xr, dash 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 xn is equal to B. B a partition on closed interval AB. B a partition on closed interval AB. Full stop. Let its Rth subinterval B, let its Rth subinterval B, IR is equal to XR minus 1, comma XR. Let its Rth subinterval B, IR is equal to XR minus 1, comma XR, and the length of interval is del r is equal to xr minus 1. And the length of interval is del r is equal to xr minus 1. देखिए हम लोग को दिखाना क्या है कि फंक्शन अगर हमारा क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है तो वो रिमानियन इंटीग्रेबल भी होगा. ठीक है, इस बात को हमको दिखाना है. अभी हमने जस्ट पढ़ा कि अगर किसी फंक्शन के लिए यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन एप्साइलन आ जाए तो वो फंक्शन रिमानियन इंटीग्रेबल होता है. इस थ्योरम में भी हम लोग यही कोशिश करेंगे कि प्रूफ करके दिखा दें कि यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज़ लेस देन एप्साइलन तो हमारा फंक्शन रिमानियन इंटीग्रेबल हो जाएगा. ठीक है, लिखिए इफ x comma y belongs to IR, then if x comma y belongs to IR, then by definition of continuity, नीचे से लिखिए, for every epsilon greater than zero, there exist delta greater than zero, such that fx minus fy is less than epsilon whenever mod x minus y is less than delta. बस यहाँ पे क्या लिख दीजिए, a minus b. क्योंकि b बड़ा है तो b minus a. ठीक है, ये आपकी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है. लिखिए इसको, डालिए इक्वेशन नंबर वन. करिए नोट डाउन. आपसे कहा था फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है. अगर वो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है तो उस इंटरवल के सारे सब इंटरवल से भी कंटिन्यूस होगा. इसका मतलब फंक्शन आई आर में भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. लिखिए, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, नीचे से लिखिए, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल xr माइनस 1 कॉमा xr. दिस इंप्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल xr माइनस 1 कॉमा xr. अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो बाउंडेड भी होगा. अगर इसमें बाउंडेड होगा तो वो लोअर बाउंड और अपर बाउंड को कंटेन करेगा, मतलब इन्फिमम और सुप्रीमम को क्या करेगा, कंटेन करेगा. नीचे से लिखिए, दिस इंप्लाइज
This implies it is bounded also. It is bounded also and attains its infimum MR and supremum MR at some points CR and DR such that function of CR is equal to MR and function of DR is equal to MR. मतलब इस पे इन्फीमम को रखेगा और इस पे सुप्रीमम को कंटेन करेगा. दिस इम्प्लाइज दैट सी आर माइनस डी आर इज लेस देन डेल्टा. हेंस फ्रॉम इक्वेशन वन कॉमा वी हैव, हमने कहा था इस इंटरवल में जो भी पॉइंट्स पाए जाएंगे उनके बीच की डिस्टेंस डेल्टा से छोटी होगी. सी आर और डी आर भी इस इंटरवल के पॉइंट्स है तो उसके बीच की डिस्टेंस भी डेल्टा से क्या होगी, छोटी होगी. चूंकि सी आर माइनस डी आर की डिस्टेंस डेल्टा से कम है, अगर ये होल्ड होता है तो ये भी होल्ड होता है. कंटिन्यूटी की डेफिनेशन का मतलब इफ दिस कंडीशन होल्ड्स दिस विल डेफिनेटली होल्ड. यहाँ पे ये कंडीशन CR और DR के लिए होल्ड कर रही है तो ये कंडीशन भी CR और DR के लिए होल्ड करेगी. मिलेगा FCR माइनस FDR मॉड में लेस देन एप्साइलन अपॉन B माइनस A. बट मॉड ऑफ FCR माइनस FDR इज इक्वल टू मॉड में एफ सी आर की वैल्यू है एम आर, एफ डी आर की वैल्यू है एम आर. दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ एफ सी आर माइनस एफ डी आर इज इक्वल टू, ये इन्फीमम है ये सुप्रीमम है, मॉड से निकलेगा पॉजिटिव वैल्यू एम आर माइनस एम आर. दिस इम्प्लाइज दैट एफ सी आर माइनस एफ डी आर की वैल्यू मॉड ऑफ एफ सी आर माइनस एफ डी आर की वैल्यू है एम आर माइनस एम आर, जो लेस देन है एप्साइलन अपॉन बी माइनस ए से. इसका मतलब है कि एम आर माइनस एम आर लेस देन होगा एप्साइलन अपॉन बी माइनस ए से. इसको कंसीडर कर लीजिए इक्वेशन नंबर टू. ठीक है, इक्वेशन नंबर टू. अब एग्जैक्टली हम लोग को वैल्यू किसकी निकालनी है, यू पी एफ माइनस एल पी एफ की. अगर यू पी एफ माइनस एल पी एफ की वैल्यू लेस देन एप्साइलन आ गई तो फंक्शन रिमानियन इंटीग्रेबल होगा, अदरवाइज फंक्शन रिमानियन इंटीग्रेबल नहीं होगा. तो यू पी एफ माइनस एल पी एफ की अब वैल्यू निकालने चल रहे हैं. दिस इम्प्लाइज दैट नाउ UPF माइनस LPF इज इक्वल टू, UPF का मतलब होता है समेशन MR डेल R माइनस समेशन स्मॉल MR डेल R.
जहां r की वैल्यू 1 टू n, r की वैल्यू 1 टू n. दिस इंप्लाइज दैट UPF माइनस LPF देखिएगा इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n MR माइनस MR डेल r, जो कॉमन निकलने वाला था कॉमन निकाल दिया. दिस इंप्लाइज UPF माइनस LPF देखिएगा इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n डेल r MR माइनस MR, लेकिन MR माइनस MR की वैल्यू लेस देन है, जो इतना कॉमन है कॉमन टर्म तो एस सच लिखेंगे समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n डेल r, और इसकी वैल्यू एप्साइलन अपॉन b माइनस a से लेस देन है, तो एप्साइलन अपॉन b माइनस a से लेस देन का साइन बना दिया. दिस इंप्लाइज UPF माइनस LPF लेस देन एप्साइलन अपॉन बी माइनस ए को बाहर कर दिया समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू n डेल r. इसकी वैल्यू बहुत बार आप लोगों को मैंने निकलवाई है UPF माइनस LPF लेस देन एप्साइलन अपॉन बी माइनस ए. चलिए सबसे पहले डेल 1 आएगा, डेल 1 की वैल्यू होती है आपकी, या इसको ऐसे लिख लीजिए इज इक्वल टू एप्साइलन अपॉन बी माइनस ए समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू n एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1. अब वैल्यू को पुट करेंगे, सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो x1 वन माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स टू और ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा तो मिलेगा xn माइनस xn माइनस 1. ठीक है, सब टर्म्स कट जाते हैं, केवल पहला और आखिरी बचता है. xn की वैल्यू होती है b, x नॉट की वैल्यू होती है a. आपको मिल जाएगा UPF माइनस LPF इज लेस देन एप्साइलन अपॉन b माइनस a इंटू b माइनस a. b माइनस a से b माइनस a कैंसिल. UPF माइनस LPF इज लेस देन एप्साइलन. UPF माइनस LPF लेस देन एप्साइलन हो गया, इसका मतलब फंक्शन हमारा रीमानियन इंटीग्रेबल होगा. लिखिए नीचे से लिखिए हैंस द कंडीशन ऑफ इंटेग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाई. हैंस द कंडीशन ऑफ इंटेग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाई. देयरफोर द फंक्शन इज रीमानियन इंटीग्रेबल. देयरफोर द फंक्शन इज रीमानियन इंटीग्रेबल. देयरफोर द फंक्शन इज रीमानियन इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. नेक्स्ट लिखिए थ्योरम. लिखिए लेट f बी बाउंडेड. लेट f बी बाउंडेड
एंड मोनोटोनिक फंक्शन एंड मोनोटोनिक फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी देन f is Riemannian integrable, then f is Riemannian integrable on closed interval AB. Then f is Riemannian integrable on closed interval AB. कह रहा है f बाउंडेड और मोनोटोनिक फंक्शन है. मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ab पे डिफाइन हो रहा है. तो आपको कह रहा है दिखाने के लिए कि ये आपका रिमानियन इंटीग्रेबल होगा. अभी जस्ट हमने एक रिमानियन इंटीग्रेशन पे एक थ्योरम पढ़ा था जिसमें आपने दिखाया था यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज़ लेस देन एप्साइलन. अगर हमने फर्दर देन फिर से ये बात दिखा दी कि यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज़ लेस देन एप्साइलन तो फंक्शन हमारा रिमानियन इंटीग्रेबल हो जाएगा. ठीक है, लिखिए प्रूफ. प्रूफ लिखिए, लेट एफ बी बाउंडेड. लेट एफ बी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन. लेट एफ बी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. लेट एफ बी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. नीचे से लिखिए, लेट एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो. लेट एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन. लेट एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन एंड लेट द पार्टीशन पी इज डिफाइंड एज एंड लेट द पार्टीशन पी इज डिफाइंड एज पी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डैश 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 एक्स आर माइनस वन एक्स आर एक्स एन इज इक्वल टू बी. देखिए बहुत से लोग पार्टीशन लिखवाते हैं ना तो उसमें ये मिस कर देते हैं. मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई आर एथ का मतलब आई आर इज एन आर्बिटेरी इंटरवल. तो एटलीस्ट ये तो दिखाइए कि आर्बिटेरी इंटरवल बनता कैसे है. इसलिए कहीं पे भी पार्टीशन लिखेंगे हम लोग पी में एक्स आर माइनस वन और एक्स आर को इंक्लूड करके चलेंगे. लिखिए, लेट पी इज इक्वल टू एक्स ए इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री कॉमा डैश 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 एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर कॉमा डैश 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 एक्स एन इज इक्वल टू बी इज अ पार्टीशन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. इज अ पार्टीशन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट द आरथ सब इंटरवल इज सच दैट द आरथ सब इंटरवल इज आई आर इज इक्वल टू एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर सच दैट द आरथ सब इंटरवल इज आई आर इज इक्वल टू एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर एंड द लेंथ ऑफ इंटरवल इज एंड द लेंथ ऑफ इंटरवल इज डेल आर इज इक्वल टू एक्स आर माइनस वन. नीचे से लिखिए, सिंस एफ इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग. Since f is monotonic increasing,
देखिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. एक सेकेंड. देखिए फंक्शन का कह रहा है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, इसका मतलब वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा पी पे, इसका मतलब वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा पी के हर एक सब इंटरवल पे. नीचे से लिखिए सिंस एफ इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ऑन सब इंटरवल आई आर इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर. Since f is monotonic increasing on sub interval ir is equal to closed interval xr minus 1 comma xr. नीचे से लिखिए therefore अगर monotonic increasing होगा तो bounded होगा तो lower bound और upper bound exist करेंगे, मतलब infimum और supremum exist करेगा. तो मान लेंगे फंक्शन एफ एक्स का इसमें जो इन्फीमम और सुप्रीमम है वो स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर होगा. लिखिए देयरफॉर द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, देयरफॉर द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स ऑन आई आर on IR is MR and capital MR is MR and capital MR and given by देखिए इसके पहले जो थ्योरम किया था हमने मान लिया था कि इसमें कोई पॉइंट बिलोंग कर रहा है CR और DR जिस पे इन्फीमम और सुप्रीमम मिल रहा है. तो बहुत से थ्योरम में इसमें CR और DR मानते हैं, बहुत से में ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे इन्फीमम मिलेगा, इस पॉइंट पे सुप्रीमम मिलेगा. तो हम इसमें यही मान लेंगे कि XR माइनस 1 पे इन्फीमम मिलेगा और XR पे सुप्रीमम मिलेगा. ठीक है लिखिए चलिए नीचे से देखिए. नाउ अब रिमानियन इंटीग्रेबल दिखाने के लिए यू पी एफ माइनस एल पी एफ की वैल्यू निकालने चल रहे हैं. यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज इक्वल टू समेशन कैपिटल एम आर डेल आर, आर इज इक्वल टू 1 to n माइनस समेशन एम आर डेल आर, आर इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू समेशन R इज इक्वल टू 1 to n एम आर माइनस एम आर इंटू डेल आर. यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वेयर डेल आर इज लेस देन, जैसे पीछे माना था एप्साइलन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए. तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा लेस देन समेशन R इज इक्वल टू 1 to n एम आर माइनस एम आर एप्साइलन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए. ठीक है ये आपका यू पी एफ माइनस एल पी एफ की वैल्यू है. पहले देख लीजिए बाद में करिएगा. यू पी एफ माइनस एल पी एफ दिस इम्प्लाइज यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन, ये बाहर आ जाएगा एप्साइलन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए
ये बचेगा समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n एम आर का मतलब है एफ एक्स आर माइनस एफ एक्स आर माइनस 1. दिस इंप्लाइज दैट यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज लेस देन एप्साइलन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए. वैल्यू पुट करेंगे, पहला टर्म आएगा एफ एक्स आर माइनस एफ एक्स नॉट, दूसरा टर्म आएगा एफ एक्स 1 एफ एक्स 2 माइनस एफ एक्स 1, तीसरा आएगा बढ़ते बढ़ते आखिरी आएगा एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस 1. ठीक है, सब वही टर्म कट जाएगा, पहला और आखिरी आपका बच जाएगा. पहला और आखिरी बचने का मतलब दिस इंप्लाइज यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन एप्साइलन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए. पहला टर्म है आपका जो बचेगा वो है आपका एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स नॉट. दिस इंप्लाइज यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन एप्साइलन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए. ये मिलेगा इंटू एफ बी माइनस एफ ए, क्योंकि एक्स नॉट की वैल्यू थी ए और एक्स एन की वैल्यू थी बी. यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन एप्साइलन, ये कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब फंक्शन हमारा रीमानियन इंटीग्रेबल होगा. लिखिए देखिए, बहुत से बच्चों का मेरे पास ये फ़ोन आ रहा है कि मैम हम लोग को ना तैयार नहीं हो पा रहा है पहले का, जैसे पहले का पढ़ रहे हैं भूल जा रहे हैं या इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है. देखिए, मेरा आप लोगों को एक ही सजेशन है, लिख करके पढ़िए. और नहीं लिख करके पढ़ेंगे सब भूल जाएगा, क्योंकि रीमानियन इंटीग्रेशन को आप हल्के में मत लीजिए. इंपॉर्टेंट चैप्टर है और रियल जनरली तैयार नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा ढंग से ही उस चीज़ को पढ़िए. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट नीचे से लिखिए. ये तो बात हो गई जब फंक्शन हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तब क्या होगा जब फंक्शन हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो. लिखिए नीचे से, इसके नीचे से लिखिए विच इज़ द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, विच इज़ द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, विच इज़ द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी फुल स्टॉप. हैंस द फंक्शन इज रीमानियन इंटीग्रेबल, हैंस द फंक्शन इज रीमानियन इंटीग्रेबल. हैंस द फंक्शन इज रीमानियन इंटीग्रेबल. नीचे से लिखिए लेट द
फंक्शन इज मोनोटोनिक इन डिक्रीजिंग. लेट द फंक्शन इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग. अगर f मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा तो माइनस f वापस से मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा. नीचे से लिखिए देन माइनस f इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग. देन माइनस f इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग. देन माइनस f इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग. और जस्ट अभी आपने पढ़ा कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन रिमानियन इंटीग्रेबल होते हैं. एंड बाय रिजल्ट माइनस f इज रिमानियन इंटीग्रेबल. माइनस f इज रिमानियन इंटीग्रेबल. माइनस f इज रिमानियन इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. माइनस f इज रिमानियन इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. नीचे से लिखिए देयरफोर इंटीग्रल a बार b माइनस fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b बार माइनस एफ एक्स डी एक्स. क्योंकि फंक्शन रिमानियन इंटीग्रेबल है तो लोअर रिमानियन इंटीग्रल और अपर रिमानियन इंटीग्रेबल बराबर होंगे. दिस इंप्लाइज माइनस बाहर हो जाएगा ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बार टू बी बार एफ एक्स डी एक्स. माइनस से माइनस कटेगा. इंटीग्रेशन ए बार बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b बार एफ एक्स डी एक्स. चूँकि लोअर रिमानियन इंटीग्रेशन अपर रिमानियन इंटीग्रेशन के बराबर है इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या होगा, रिमानियन इंटीग्रेबल होगा. उतारिए. नीचे से लिखिए सिंस लोअर रिमानियन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू अपर रिमानियन इंटीग्रेशन. सिंस लोअर रिमानियन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू अपर रिमानियन इंटीग्रेशन हैंस द फंक्शन इज रिमानियन इंटीग्रेबल. हैंस द फंक्शन इज रिमानियन इंटीग्रेबल. हैंस द फंक्शन इज रिमानियन इंटीग्रेबल. नीचे से लिखिए देयरफोर इफ द फंक्शन इज मोनोटोनिक फंक्शन. देयरफोर इफ द फंक्शन इज मोनोटोनिक फंक्शन देन इट इज रिमानियन इंटीग्रेबल. देन इट इज रिमानियन इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. Then it is Riemannian integrable on closed interval AB. Then it is Riemannian integrable on closed interval AB.